गर्मियों का मौसम है और लू लगने का डर है पर इस गर्मियों की अच्छी बात यह है कि ये लाती है आपके लिए बढ़िया बढ़िया आम और कच्ची कैरी और इसी कच्ची कैरी के साथ आज मैं बनाऊंगी आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है आम पन्ना मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल स्टेप आम पन्ने को बनाने के लिए इसके लिए आपको इस वीडियो के एंड तक जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो शुरू करने से पहले एस डी फूड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले 300 ग्राम कच्ची कैरी ले लें कच्ची कैरी या फिर इसे अम्बी भी कहते हैं इसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे फिर इसे पीलर की मदद से या फिर नाइफ की मदद से छील लेंगे आम पन्ना बनाने का ये सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है छीलने के बाद इसके पीसेस को कट कर लेंगे जितना भी पल्प है वो सारा नाइफ की मदद से कट करके बाउल में डाल लेंगे ये कच्ची कैरी की जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ पीने में ही मज़ेदार नहीं है इसके फायदे भी बहुत हैं हेल्दी ड्रिंक है ये बिल्कुल लू से बचाती है कूलिंग इफेक्ट की तरह आपकी बॉडी में काम करेगी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और साथ के साथ कैल्शियम मिनरल्स आयरन के साथ भरपूर है ये तो इस हेल्दी रेसिपी को बनाने में देरी ना करें अम्बी को छील कर जो पीसेस हमने कट किए हैं वो सारे अब हम कुकर में ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ऐड करेंगे इसमें डेढ़ गिलास पानी यानी कि तीन सौ पुराने मेथड्स को अगर हम देखें तो हम पहले अम्बी को उबालते हैं उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं फिर उसे छीलते हैं और उसके बाद भी उसके अंदर कड़वास आ जाती है कई बारी और साथ के साथ पल्प भी नहीं पूरा निकल पाता है इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है कोई भी टाम टमेरा नहीं है बस हमने एक बार छीला काटा और इसमें कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिया बस अब कुकर बंद करके इसे बॉयल करने के लिए हमने रख दिया हाई फ्लेम पर अब हाई फ्लेम पर दो विसल आने तक का वेट करेंगे और जैसे ही दो विसल आ जाती हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी विसल निकलने तक का वेट करेंगे जैसे ही विसल निकल जाती है तो ये अम्बी हमारी बिल्कुल पक जाएगी खोल के हम चेक कर लेते हैं देखिए पल बिल्कुल स्मूथ हो चुका है येलो कलर हो चुका है इसका इस टाइम पे हम ऐड करेंगे तीन चौथाई कप चीनी पीसने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गर्म है तो ये पिस जाएगी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसी टाइम पे गरम है चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी और ब्लेंडर की मदद से जो हमारा पल्प है वो भी बिल्कुल मैश हो जाएगा है ना आसान तरीका आम पन्ना बनाने का जो छिलके की कड़वास है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी ये मेरी गारंटी है ब्लेंड करने के बाद एक बाउल ले लीजिए और उसके ऊपर छन्नी रख दीजिए मैंने यहाँ पे स्टील की छन्नी ली है मोटे दाने वाली इसमें मैं सारा ये जो पल्प है वो डाल के इसे अच्छे से छान लूंगी वैसे तो ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं पर फिर भी सही रहता है कि एक बार इसे छान लिया जाए क्योंकि अम्बी टू अम्बी वेरी करता है कि कितना जो पल्प है वो मोटा है अब इसमें ऐड करेंगे तीन चौथाई चम्मच भुना जीरा साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे तीन चौथाई चम्मच काला नमक तीन चौथाई चम्मच ही डालेंगे इसमें नमक यानी कि सेंधा नमक भी ले सकते हैं आप या नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं बहुत अच्छे से स्टर करेंगे ताकि सारे मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं इस टाइम पे आप पुदीना मसाला भी डाल सकते हैं कुछ नहीं करना बस पुदीने की जो पत्तियां हैं उनको अच्छे से धोकर सुखा लें और उसके बाद ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें पाउडर बन जाएगा वो भी इसमें ऐड कर दीजिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के करीब पानी एक बार दोबारा से इसे स्टर कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में दो घंटे के लिए रहन देंगे उसके बाद इसे सर्व करेंगे सर्व करने के लिए ग्लास लेंगे और उसमें ये ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट देने वाला आमपना ऐड करेंगे एन्जॉय करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने सजेशंस एंड कमेंट्स कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आप चाहते हैं एस जी फूड वर्ल्ड आपके लिए लेकर आए मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब